बच्चों, गुटर गु में आपका स्वागत है। नालंदा वे लेकर आए हैं आपके लिए कहानियों का खजाना। आंखें खुलते ही बैठा सवार, देखो शैतान की मौका है ये हाँ। कान छोटे हैं पर बड़ा है मुंह, अकार पे कहा रुकते गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, टक 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 करके गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, गुटर गु, टक 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 करके गुटर गु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो पालथी मारकर आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं, उसका नाम है सुनो तो। हाथों में जब हल्की गीली रेत लगती है तो कितना मजा आता है ना? कितना कुछ बना सकते हैं रेत से। मुझे तो रेत से खेलना बहुत पसंद है और रूपा को भी बहुत पसंद है। रूपा के घर के पास एक रेत का टीला है, जहां वो दिन भर रेत के सुंदर सुंदर किले बनाती और अलग अलग आकृतियां भी बनाती। आज रूपा ने एक गांव बनाया है, जिसके पास से एक नहर गुजर रही है। नहर काफी लंबी बनाई है और उसमें बहता हुआ पानी भी डाला है। भाई वाह, कितना सुंदर गांव है, रूपा ने सोचा। माँ को दिखाती हूँ। माँ, माँ, सुनो तो माँ। माँ रसोई में व्यस्त थी, सब्जियां धोकर काटने जा रही थी। माँ सुनो तो, मैंने रेत के टीले पर क्या बनाया है, सुनो ना माँ। माँ का ध्यान सब्जियां और रसोई के बाकी कामों में था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। अरे सुनो तो, माँ पापा से बोली, मैं जरा 5 मिनट में आती हूँ, एक जरूरी काम है। आप जरा चूल्हे पर दूध रखा है, ध्यान देना। माँ चप्पल पहनती हुई घर से निकल गई। पापा, पापा आज घर की तार जोड़ने के काम में जुटे हुए हैं। कई दिन से दरवाजे के सामने वाला बल्ब बंद है। सुनो तो, वो बड़ा वाला पेचकच कहाँ है? लगता है पापा माँ से कह रहे हैं। अब पापा अलमारी में से कुछ ढूंढने लगे। ओहो, ये अलमारी में जाने क्या क्या रखा हुआ है, कहते हुए उन्होंने एक एक कर सब सामान निकाला। एक पुराना खिलौना, कोई टूटा डब्बा, एक चश्मा। ओह, मिल गया। और वो अपना पेचकच लेकर फिर काम पे लग गए। दादी चारपाई पर बैठी कुछ परेशान लग रही थी। ओह, मेरा चश्मा जाने कहाँ चला गया, दादी पापा से बोली। अरे बेटा सुनो तो, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, देखा है कहीं? इतने में माँ लौट आई और रसोई में घुसते ही बोली, ओहो, पूरा दूध उफन गया। देखा तो सारा दूध उबल के भगोने से बाहर निकल गया था। माँ पापा के पास आकर बोली, सुनो तो, आपने दूध क्यों नहीं देखा? मैं आपसे कह कर गई थी ना। मुझसे कहा था? ओहो, शायद मैंने सुना नहीं, पापा बोले। पर मैं कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ पेचकच कहाँ है और ये अलमारी में क्या क्या रखा हुआ है। ये चश्मा किसका है? अरे चश्मा मिल गया, दादी खुश होकर बोली। मैं तुमसे कब से कह रही थी बेटा ढूंढने के लिए, चश्मा लगाती हुई दादी बोली। आंखें झपकाते हुए उन्होंने आसपास देखा तो उनकी नजर रेत के टीले पर पड़ी तो बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर नहर बनाई है, किसने बनाई है ये? और रूपा उछल कर बोली, मैंने बनाई है ये नहर, मैं कब से बता रही हूँ पर कोई सुनो तो।
ये सुनकर सब के सब हंस पड़े। है ना ये एक मजेदार किस्सा दोस्तों। व्यस्त तो सभी होते हैं, पर एक पल निकालकर अगर हम एक दूसरे की सुन ले तो कितना अच्छा होगा ना। सुनो तुम जो मैं कहूँ, सुनो ना पापा मम्मी की, दादी बैठी कुछ कह रही, चलो ना सुने हम सब की। एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे को हम सुने, सुने कहे कुछ दिल की भी, रिश्ते हम मजबूत करे, रिश्ते हम मजबूत करे। कहानी मजेदार थी है ना? चलो कहानी में क्या हुआ याद करने की कोशिश करते हैं। रूपा ने क्या बनाई थी? सही जवाब, रूपा ने रेत के टीले में एक नहर बनाई थी। दादी क्या ढूंढ रही थी? दादी अपने चश्मे ढूंढ रही थी। अब ये एक छोटी गतिविधि का समय है। अपनी कार्य पुस्तिका निकालें और गतिविधि 8 की ओर मुड़ें। अपनी पेंसिल और क्रेयॉन तैयार रखें। गतिविधि समाप्त करने के लिए अपने परिवार और दोस्तों की मदद लें। मुझे हर रोज मिलना मत भूलना, मैं आपको और मजेदार कहानियाँ सुनाती रहूंगी।